चल रही थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ को लेकर के कहा, मैं अरुण जी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ, कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, ऐसा संदेशा क्यों जा रहा है, देश की जनता जानना चाहती है। जी नहीं आलोक जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और करता है वो कहना चाहता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय सरकार का कहीं भी कोई मंशा, एक इंच भी मंशा नहीं है कि कोई धार्मिक भावनाएं भड़काई जाएं। हम कहीं पार्टी नहीं है, लेकिन एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, आवाज़ एक बड़ी संस्था का मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम से, जो मुस्लिम की सबसे बड़ी संस्था है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जब अदालत जी, पार्लियामेंट भी हो सकता है कि पार्लियामेंट में हमारे निजी वोट के स्वार्थों के तहत कोई कानून बनता हो, फैसले लिए जाते हों, लेकिन आज अगर ये कहा जा रहा है कि साहब 1991 में, तो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ज्ञानवापी में ही इनवाइट करता हूं कि उनको आगे आना चाहिए और इस मसले को कहता है उनको एक बहुत ही उदारवादी रवैये के तहत मिल बैठ करके वो काम करना चाहिए कि जो हो सकता है, जो रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर 1991 वर्शिप एक्ट का सहारा लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब इसके तहत हम संरक्षित हो गए, तो अगर संरक्षण की बात है तो अभी अदालत पे ही देखिए प्रश्न लगाए जाते हैं बार बार। ओवैसी जी सुप्रीम कोर्ट के उन सभी फैसलों पे जो राम जन्मभूमि के मसले में फैसला आया उसको दिल से स्वीकार नहीं करते, वो बार बार अपनी तकरीरों में कहते हैं। मुस्लिम पक्ष के तरफ से भी बार बार कहा जाता है कि नहीं साहब कहता है वो सर्वोच्च अदालत का जो फैसला आया वो कहता है ठीक फैसला नहीं था। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइए आप मिल बैठ करके फिर एक बार कोई समस्या, और ये तो देखिए कोई भी राजनीतिक दल हैं जो कहता है यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो आदरणीय मायावती जी हो, लेकिन मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि आदरणीय मुलायम सिंह जी के जब यहाँ शासन में थे तो ज्ञानवापी के अंदर पूजा रोका गया, जो सबसे बड़ी बात, सिंगार गौरी में कम सीमित लोग पूजा करते थे, बरसों से चल रहा था। अगर एज इट इज हम मान लें, एज इट इज मान लें, तो एज इट इज को भी बिगाड़ने का काम मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने किया और राष्ट्र के में बैठे हुए कुछ कम से कम सिंगार गौरी का पूजा होने देते, सिंगार गौरी का पूजा होने देते। तो आप देखिए कि हमारे ऊपर, इस देश के हिंदुओं के ऊपर 700 वर्ष पहले भी हमारे ऊपर कहता है वो लादे गए कहता है, और आजादी के बाद भी, आजादी के बाद भी बहुसंख्यक वर्ग की बात, हिंदुओं की बात, उनके सम्मान की बात, उनके इज्जत की बात कतई नहीं सुनी गई, उनको पूजा करने से रोका गया। जिस तरीके से लगातार सवाल उठे, एक पक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी बात दबाई जा रही है पूरी तरह? देखिए कहीं किसी की बात नहीं दबाई जा रही, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके ओर कहने की गोली किसने चलवाई, जिसके ये बात मान ली, चलिए सुनेंगे पहले, कीर्ति नीति जी अपनी बात रखिए पहले। मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, आप चिंता मत करिए। नहीं नहीं नहीं, और चिंतित रहते नहीं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, जिनके दम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, उनकी आवाज को आज भारतीय जनता पार्टी दबा रही। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों देवतुल कार्यकर्ताओं के आधार पर सरकार बनाती है, सुनिए तो, भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों के आधार पर सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के वादे के तहत सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के वादे के तहत सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जानिए, जो हमने कहा था, जो हमने वादा किया था, धारा 370 हटाएंगे, हमने वादे किए थे, वो पार्लियामेंट के अंदर हमने हटा के दिखाया है। देखिए हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। आप भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिवादी, आप परिवारवादी पार्टी है, ये सैफई की पार्टी है, ये मुलायम सिंह बाबा की पार्टी है, ये अखिलेश यादव भैया की पार्टी है, ये शिवपाल यादव की पार्टी है, ये धर्मेंद्र भैया की पार्टी है, ये की पार्टी है, अब भाभी और भैया की पार्टी है, अब भाभी और भैया की पार्टी का कोई मुकाबला अगर आप करना चाहेंगे, इसीलिए आप असफल हुए। इस प्रदेश के मुसलमानों ने, ठीक है, कौन किसकी पार्टी है मेरा ये तात्पर्य नहीं है, सुनिए मेरी बात, मैं यहाँ पर जनहित की बात करता हूँ, जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाता है। बड़ी बात यह है कि कौन किसकी पार्टी, मुझसे मतलब नहीं है, जो आप जन भावनाओं को समझे, जनहित में काम करे, वो जनता की पार्टी, सीधी सी बात है। मैं एक बार मौलाना महंगाई नहीं दिखती आलोक जी, आज इनको महंगाई नहीं दिखती,
आज ये सारे सवाल आपने खड़े किए थे। कोरोना काल का सवाल ऐसा नहीं है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले कीर्ति जी रुकिए, रुक जाइए, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। मैं एक सवाल, कीर्ति जी आपने महंगाई मुद्दा उठाया है, ठीक है, महंगाई आज सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब अखिलेश यादव जी से जिस तरीके से इस सवाल का जवाब पूछा जाता है गैर व्यापी मामले को लेकर के और तमाम सारी चीजों को लेकर के, तो वो खुद ही सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं ये सरकार एक देश एक व्यापार एक व्यापारी को लाना चाहती है, तो आपके मुद्दे क्या हैं? फिलहाल इस पर भी चर्चा करिए, लेकिन हम आज अभी ज्ञान व्यापी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस तरीके की साजिशें होती है जी, उसके पीछे आप देखिएगा कहीं कहीं जो साजिशें होती है, आप उनका खुलासा करिए। पार्टी के लोग आपके इतने विधायक है, जनता ने आपको मौका दिया है विपक्ष के तौर पर, आप आवाज उठाइए, आप जनता के प्रतिनिधि बनिए, आवाज उठाइए, खुलकर के मुकाबला करिए, सदन में रखिए, फोरम सही चुनिए। सदन में जब सदन चले जब सवाल जब सत्र शुरू हो तब वहाँ पर अपनी बेबाक आवाज रखिएगा, बिंदास आवाज रखिएगा आप जनता के। हाँ हाँ जी निकुंज जी, जी आलोक जी आज जब देश में धर्म की बात हो रही है तो इन लोगों के पेट में किड़ोरे क्यों पड़ रहे हैं? आज जब हिंदू धर्म का जो अनुयायी है, आज जब उसे यह दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से आपके इस देश में भारतवर्ष के अंदर 700 वर्ष की गुलामी के बाद और 70 साल कांग्रेस की गुलामी के बाद जब हिंदुओं को यह बताया जा रहा है और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इन मस्जिदों के नीचे जब हमारे आराध्य देव दबे हुए हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और सही कानून राज का यहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो क्यों इनके पेट में मुद्दे होती है? क्यों नहीं ये लोगों को अपने बात को लिखने के लिए उनकी बातों को बार बार दबाने का यह लोग प्रयास करते हैं? अखिलेश जी ने कहा कि कृष्ण जी हमारे हैं, तो कम से कम अखिलेश जी से कहिए कि भाई मथुरा की समस्या का समाधान करा दें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से अखिलेश जी से कहिए जो ईदगाह का मसला है, मुस्लिम वहां के कृष्ण जन्मभूमि का मसला तो है, आपके कुल देवता है, आपके कुल देवता है और अखिलेश जी ने बार बार कहा है कि हमारे कुल देवता मौलाना हाशिम जी। अब बहुत देर से मैंने देखा आप सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। मेरा सवाल आपसे, क्योंकि जब मैंने पहले ही जब आपका वर्जन लिया था तो आपने कहा था बहुत सारी सहृदय आपने स्वीकार की थी कुछ चीजें और बहुत सारी चीजों का आपने कहा था कि हल निकाला जा सकता है आपसी भाईचारे से, और महज कुछ लोग हैं, मुझे आपकी एक चीज बड़ी अच्छी लगी, महज कुछ लोग हैं हर धर्म में जो सियासत करते हैं और सियासत की रोटियां सेक रहे हैं, वो कौन लोग हैं और उन पर किस तरीके से अंकुश लगा जा सकता है, ये सुझाव आज आपका मैं चाह रहा हूं आज डिबेट में। शुक्रिया आलोक जी। बात असल में यह है कि यहाँ डिबेट में बैठकर लोग जो है वो अशब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बड़ा जो है वो खराब रवैया है जी। लेकिन मौलाना साहब जो है वो उनको बैठ कर मैं अपने डिबेट में शब्दावली का खास इस्तेमाल करता हूँ कि शब्दावली एकदम संयमित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, ये मैं किसी को अपनी डिबेट पे नहीं करता हूँ, एज बीइंग जर्नलिस्ट मैं आपसे कह रहा हूँ सर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसको जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये आपस में मोहब्बत के साथ बैठ के हर चीज को निपटाया जा सकता है। बिल्कुल वेलकम करते हैं, कोई ऐसी चीज है नहीं है कि जो नहीं निपटाई जा सकती है, समझे, ऐसा है नहीं है, इसको निपटाया जा सकता है। लेकिन जहाँ नमाज होती चली जा रही बरसें हो गई हैं, अब उसके बाद ये उठ रहा है। हम तो ये कहते हैं कि एक एक करके मुद्दा उठा रहे हैं, इकट्ठे एकदम उठा दीजिए सारे मुद्दे और सब बता दीजिए कौन कौन से आपके मुद्दे हैं जो इसको इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन इनकी वजह से हम अपने जो है वो किसी दूसरे के एक दूसरे के दिल में जो है ठेस पहुंचाएं और उनको जो है वो परेशान करें, इससे तो अच्छा नहीं लगता, इससे वातावरण ख़राब होता है और लोगों के अंदर संदेश अच्छा नहीं जाता है, कहीं कहीं जो है इसी माध्यम से जो है शांति भंग हो जाती है। तो लोगों को जो है वो सोचना चाहिए, बैठ के इसको निपटा दें जी। अभी जब अगर न्यायालय में चला गया है तो न्यायालय में भी जो है वो मोहम्मद आसिम साहब आपने कहा कि हर कौम में कुछ लोग ऐसे हैं। देखिए हाजी इमरान साहब कितना अच्छा एक सुझाव आ गया। सवाल मैं मोहम्मद आसिम साहब से करूं। चलिए आप सरकार में हैं, अपनी बात रखिए, चलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन जवाब देने का भी मादा रखिएगा पूरा। बिल्कुल मौलाना हासिम साहब, बहुत ही माजरत के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए मसाजिद के समस्याएं जो जहाँ तक हैं और जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा उसका वो तो नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी सड़क को लेकर के मसाजिद हटाए गए, अरब में तो तमाम ऐसे जगहों पे ऐसे
महत्वपूर्ण लोगों के कलता दरगाह है, कलता रोजे हटाए गए, जिसकी चर्चा मैं इस माध्यम से नहीं करना चाहता, उस डिबेट को यहाँ नहीं ले जाना चाहता, और मसाजिद भी हटाए गए सड़कों के माध्यम से तमाम अरबी मुल्कों में। तो अगर आज हिंदुस्तान में एक कौमी एकजहती कायम हो सकती है, एक भाईचारा कायम हो सकता है, आपने आह्वान भी किया, मैं बार बार कहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, चलिए आह्वान ही किया है तो क्यों ना आज आगाज भी कर दिया जाए, और हाजी साहब आज कर दीजिए, आगाज कर दिया, एक अच्छी शुरुआत हो जाए। जी जल्दी जल्दी, एक सेकंड मौलाना साहब, एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, तीन तलाक के मसले में भारतीय जनता पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था, और ना हम करते, लेकिन हमने मुस्लिम बहनों का इसलिए ध्यान लिया कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मसाइल को अपने आप हल कर ली होती तो पार्लियामेंट में जाना पड़ता, मुस्लिम महिलाओं ने काफी सराहना भी की, ने भी कहा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने उन्हें वोट दिया, उसका आप लोगों को फायदा भी मिला, सीधी सी बात है, वो एक अलग मुद्दा है, मैं आज फिर नहीं तो समय बहुत कम है, 10 मिनट से भी कम का वक्त है, फिर नकाब और हिजाब में भी चली जाएगी, फिर देवबंद भी मामला चला जाएगा, फिर फतवे पे भी मामला आ जाएगा, और 10 का दम यही निकल जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जो मेहमानों को हमने कनेक्ट किया जोड़ा उनसे उनका वर्जन ले। हाजी साहब, एक बड़ी अच्छी पहल की गई थी, शुरुआत आज आप करिए ना प्रेम और भाईचारे की, आज मैं भी ब्रेकिंग चलाऊंगा आज की 10 का दम में, आज हाजी साहब आए और आज उन्होंने प्रेम और भाईचारे की एक अनूठी मिसाल पेश की, लखनऊ फिदाए हम फिदाए लखनऊ, जो आप बहुत लखनऊ की अभी बात कर रहे थे ना अदब की तहजीब की, तो आज मैं चाहूंगा कि आज आप शुरुआत करें, आज नहीं, आप क्या चाहते हैं लोग जी, कि मैं कहूं कि आइए आके मस्जिद ले लीजिए, और तमाम मस्जिदें जो 144 या 400 या कुछ तो कहते हैं 6000, उस फेरिस को दीजिए और ले जाइए, अब हम वहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। आपने मेरा सवाल ही नहीं ठीक से समझा, और आपने वही तो हमने कहा कि आपने अपनी मानसिकता, आप ये भी तो कह सकते हैं, मेरी मानसिकता थोड़ी आप बदल सकते हैं, स्वागत करूंगा मैं कोर्ट के फैसले का, इंतजार करूंगा, जो आएगा वो मान्य होगा, मैं अभी से विरोध नहीं करूंगा, विरोध में जल्दबाजी नहीं करूंगा, मुझे तो इस सवाल की उम्मीद थी, इस जवाब की, आप जवाब ऐसा देंगे। देखिए उम्मीद कुछ भी रहे, लोगों को उम्मीद है, कह रहे हैं हमने शायद दावा पेश कर रहे हैं, तो क्या वो दावा कोर्ट फैसला दे देगा, वही हम उम्मीद कर सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं, पता है कि ये मामला अभी लंबा खिंचने वाला है। एक एक फाइनल कमेंट में निकुंज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अब एक जरा ये सवाल बताइए कि अभी आप हिंदूवादी नेता है, अब सिर्फ पूजा की अनुमति चाहिए या फिर मंदिर बनाने की मांग भी आप लोग अब करेंगे क्या? देखिए जिस प्रकार से साक्ष्य आ रहे हैं, और जो साक्ष्य प्रस्तुत हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप निश्चित रूप से यह मानिए जो साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला करेगा, लेकिन मैं इनसे भी यह बात कहना चाहता हूं मौलाना साहब से कि इन्हें सह स्वीकार कर लेना चाहिए कि वास्तव में जो कोर्ट का और फैसला आने वाला है, और उनको मान लेना चाहिए कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उसका यह एक पहला परिणाम ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन मौलाना साहब की तरफ से यह कहना, निकुंज जी, निकुंज जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, तभी तो सार्थक बहस होगी, कि अभी अभी आप लोग भी जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी जल्दबाजी कर रहे हैं, यह बात वो कह रहे हैं खुद निकुंज जी, वो कह रहे हैं हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है, अभी आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। जी जी जी, मान नहीं जल्दबाजी नहीं नहीं, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं आपके पास, लेकिन इनके इनके जो दर्द उठ रहे हैं, इनके जो जो इनकी जो भावनाएं जो प्रदर्शित हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि ओवैसी किस प्रकार से भारत को धमकी दे रहे हैं, देश की जनता को धमकी दे रहे हैं कि तरकीब कर लो अल्लाह अकबर, देश में सरकार है कि नहीं, माहौल खराब करने का, देश में सरकार है कि नहीं, एक आदमी धमकी दे रहा है जो बैरिस्टर है, जो इसमें एक रजिस्टर्ड पार्टी है, देश में सरकार नहीं है, अब ये उसके ऊपर एक्शन लेंगे, यही विडंबना है, यही दुर्भाग्य है, मौलाना साहब, यानी कि क्या माना जाए हाजी साहब, आप ओबीसी लोगों के बात का समर्थन नहीं करते, आपको कहना चाहिए आप उनका समर्थन कर रहे हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी है, सरकार भारत सरकार उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती, क्या वो अब, लेकिन हाजी साहब आपको भी तो निंदा करनी चाहिए, हाजी साहब आप निंदा करते हैं, अरे क्या आपकी ओबीसी सरकार के कार्रवाई को निंदा करते हैं, हर जगह तो वो खड़े हो जाते हैं, हाजी साहब ओबीसी रहते हैं सरकार में, आप नहीं है भाई, लेकिन सरकार आप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सवाल है आपका, भाई यही तो अफसोस है, सवाल होता है सरकार से, पेट में दर्द इनके होता है, क्योंकि यहाँ पर आस्था का सवाल है, कुछ चीजों को भी खाली आस्था है, राजनीति मत लाइए, आस्था की बात मत कर।
करिए, हम चिंते हिंदू मुस्लिम मत करिए, तहजीब की करते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, कि वो किस पर वो देश को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं अपने बातों से। आप ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने देश को तोड़ने की बात जोर ले जाना चाहिए। कई पहले भी उन्होंने देश को तोड़ने की तो बात करते हैं। सरकार भी यही बन जाती है, आस्था भी इनकी। हम तो सर्वधर्म, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, सरकार के मानसिकता रखने वाले हम हिंदुत्व के आदि है। वो तो दिख रही है आपकी मानसिकता, पूरा भारत समाचार के करोड़ों दर्शक है वो भी देख रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। अरे भाई, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए, इतने संविधान के बनने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न किसी के पेट में दर्द हो रहा है, हम तो इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको मेरे चेहरे से दिख रहा है? तो मुस्कुरा रहे हैं, आप रहे तलवारें तो आपने खींची बना दिए जाते हैं सिर्फ जो है सियासी शोबाजी के लिए। हाँ जी साहब, आपने कहा कि चेहरा दिख रहा है। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो, दिल में क्या चल रहा है वो बयान करिए। यहाँ पे जनता वो जानना चाहती है। चलिए एक एक फाइनल दिल कमेंट में यही चल रहा है, मस्जिद थी है और कयामत रहेगी जी। फिर आप कहेंगे कि अब कोर्ट का फैसला फिर कहाँ गया, फिर बात घूम फिर के आ गई। अभी वही तो मैंने कहा कि रात में आप बात करते हैं, लेकिन आपका जो माइंड सेट है वो बेमानी साबित होता है सबके आगे। कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी, हमें भी वैसे ही यकीन है जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी को यकीन है, हिंदूवादी नेताओं को यकीन है, आपको यकीन है, उसी तरह से इसी भारत का, इसी संविधान का हिस्सा हमें भी यकीन है। आपका यकीन यकीन, हमारा यकीन कुछ नहीं। आपकी आस्था आस्था, हमारी आस्था कुछ नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप जी? इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि जब किसी चीज पर फैसला आता है तो आप लोग सवाल उठाते हैं, और आप लोग ये भी जान लीजिए जिस तरीके से रामनाथ को लेकर का सवाल उठाया और अपना दर्द जाहिर किया, वो साक्ष्यों के अभाव में आप लोगों को स्वीकार करना पड़ा। क्यों स्वीकार करें हम आपकी बात? हम कोर्ट की क्योंकि साक्ष्य नहीं दे पाए थे, सबूत नहीं दे पाए थे, समझ रहे हैं? चलिए एक एक फाइनल, कीर्ति जी एक एक फाइनल कमेंट में आपसे, कुल मिलाकर के इस पूरी कवायद के बीच आप अपने आप को कहां पाते हैं और किस तरीके से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जी? आपने जो कहा, देखिए आलोक जी, सबसे महत्वपूर्ण है जी, पक्ष कोई हो दोनों पक्ष कोर्ट के फैसले को स्वीकार करें, जो कोर्ट फैसला देगा उसको स्वीकार करें। लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, वैसी जैसे लोग, संगीत सोम जैसे लोग, साक्षी महाराज जैसे लोग जो उन्माद पैदा करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सरकार को गंभीर होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, कि सामाजिक सद्भाव उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कायम है। सटीक सवाल का, कट टू कट सवाल का, कट टू कट जवाब। अरुण प्रकाश जी, ऐसे लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है भाई, तुरंत एक्शन ले सरकार? निश्चित रूप से आप ये ध्यान रखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भ्रष्टाचार से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर के अगर कोई भी इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा तो हम उन सब पे कार्रवाई करेंगे, वो चाहे हिंदू पक्ष के हों या मुसलमान पक्ष के। लेकिन एक बात मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जब सोमनाथ मंदिर पे हमला हुआ, जो सोमनाथ मंदिर पे हमला हुआ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी, सुन लीजिए साक्षी महाराज जो ये मैं कह रहा हूँ ना, आप सुनिए उस बात को, मैं कह रहा हूँ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, कि जब सोमनाथ मंदिर पे हमला होता है तो किसी राजे महाराजे ने नहीं बुलाया था। मैं बहुत ही मादरत के साथ कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा गरीब नमार रहमतुल्लाह अलैह कहता है, उनको आमंत्रित करते हैं, 20 चिट्ठी लिखी जाती है महमूद गजनवी को, और कहा जाता है कि आओ और सोमनाथ मंदिर लूटो, और सोमनाथ मंदिर के पंडितों ने कहा, ब्राह्मणों ने, कि लूट लो जितना सोना लूट सकते हो, लेकिन वहाँ बिल्कुल यही लोग है जो फसाद पैदा करना चाहते हैं, इनकी दंगे वाली नीति है, और आप समझ में आ गया यही है, देखा कि किसकी नीति है।
जिनके पोस्टर लगे थे, मुझे कहते नहीं यहाँ पर कोई गुरेज नहीं है जी, जी जिनके पोस्टर लगे थे किसकी दंगे की नीति है जी। मौलाना साहब जल्दी से, निकुंज जी जल्दी से, 30 सेकंड लग रही है। दंगा नीति है, दंगा नीति तो अभी पिछले दिनों में आपने देखी है कि किस प्रकार से रामनवमी को राम जी की जब यात्रा निकल रही थी तो किस प्रकार से मुसलमानों ने उस राम यात्राओं पर आक्रमण करने का काम किया था। एक निश्चित तरीके से एक पूरा मन बनाकर अब यहाँ पर थोड़ा भाईचारे की बात करेंगे, रोकने का काम आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। निकुंज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अरुण प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 के दम में आज हमने ज्ञानव्यापी मुद्दे को लेकर के बात करी, जिस तरीके से अदालत में कार्रवाई चल रही है और कमिश्नर को भी फिलहाल कार्यमुक्त किया गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। अपने दर्शकों को लगातार हम पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ना आंसू अलग हैं ना आहें अलग हैं, मगर फिर भी सोचता हूं देश के लिए क्यों, सिरफिरों की निगाहें अलग हैं। 10 कदम में इतना ही, नमस्कार।